हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर लाहौर कलंदर फैंस आर अनकंट्रोलेबल। इसके अंदर देखेंगे जीत के बाद लाहौर के फैंस का क्या रिएक्शन रहा है, वो देखेंगे इसमें। एंड बाबर आजम वी मिस यू एंड जॉइन लाहौर कलंदर सेज फीमेल फैन ने कुछ कहा है बाबर आजम के लिए, तो वो भी देखेंगे और देखते हैं क्या रिएक्शन रहा होगा। पब्लिक पागल हो गई होगी लाहौर की क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लाहौर के अंदर ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज आखिरी खबरों में वो कलंदर जीत चुके हैं भाई। इधर आते आओ, इधर भी आओ। एक कीता की कलंदरा ने मैच जीते हैं, तुम्हें नहीं पता जी? कलंदरा ने जेड़ा ना ऐसा जादू दिखाया के इस्लामाबाद वाले ने होश ही उड़ गए। उन्होंने समझ नहीं आई थी अल्लाह ने तू बराने रहमत दे जरिए फरिश्ते भेजे थे। लाहौर जीत गया। डेविड विजे नु शहरियत देनी चाहिए थी। विजे ने यार जीता जी, उनको घर दे दे, कमाल कर दिया। लास्ट ओवर भाइयों ने तड़े पक जे बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। सब ने गल करेंगे, सब ने गल करेंगे, सब ने गल करेंगे। रुको भाइयों, बहुत अच्छा खेला डेविड विजे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अच्छा प्लेयर है। बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग में अच्छा कारकर्दगी की है जिसकी वजह से रन भी मार गए भाई साहब। और ये तमाला पा रहे हैं लास्ट विकेट। हीरो बन गए यार, जाना नहीं इतने पहले उमर ना गल करने। उमर मुबारक हो, बहुत मुबारक। जितने भी फैंस हैं लाहौर के सबको कांग्रेचुलेशंस। व्हील चेयर लगे लकी साबित हो गए फिर लाहौर के अंदर के लिए। जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तआला ने रहमत भी कर दी। लाहौर जीत गया, बहुत खुशी हो रही है। आप मुल्तान के साथ लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और जीतेंगे। वाह भाई वाह, करियर देखिए बच्चे बच्चे। कौन सा ऐसा मौका लग रहा था कि समझ आप भी हाथ दिल छोड़ गए थे कि नहीं आप हाथ से निकल गया? अब नहीं, उस टाइम जब आसिफ अली आउट हुए वो टर्निंग पॉइंट था लाहौर के लिए। लेकिन आपको किस वक्त लग रहा था कि आप मैच हमारी पहुंच से बाहर निकल गए? जब वो आजम खान अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वो तो क्या लगता है, जब 6 बालों पे 8 स्कोर रह गया था, आपको उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी। और देवर भी सर ने जिस तरह बॉलिंग की है दैट वाज फैंटास्टिक, और काफी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। लाहौर की टीम की यही तो बात है, फैंस को परेशान भी करते हैं खुश भी करते हैं बाद में। परेशान भी करते हैं। तुहानू परेशान किया? मेरी अम्मा कहती सी 2000 दी बादाम ले ले, मैं कह आज ही नहीं, आज ही नहीं, आज ही नहीं, 2000 दी बादाम दे ले। 2000 पूरा, 2000 पूरा। शेर 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 जी, उमर शेर सुनाना। उमर क्या शेर है? कराची को पान खिलाएंगे, जलमी को नसवार रखवाएंगे, कोटा को ऊंट पे बिठाएंगे, इस्लामाबाद को पहाड़ की सैर करवाएंगे, मुल्तान को हलवा खिलाएंगे और ट्रॉफी हम लाएंगे। ट्रॉफी हम लाएंगे, जश्न जारी है, जश्न जारी है। की लग रहा सी लाहौर ते लै गए सी एक दफा निकले हो गए इंशाल्लाह। क्यों नहीं जी, इस्लामाबाद ने बहुत बहुत कोशिश की है, लेकिन लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है भाई। यही बोलते हैं उन्होंने नाल बर्गर नहीं काम कर देने, बस बर्गर और काम नहीं करते। वैसे बर्गर एक बारी थानू खा चले सी बहुत टफ है क्योंकि मुल्तान सुल्तान को लाहौर ने हराया से और किसी ने नहीं हराया, इसलिए मैच टफ टफ होगा। वो आपको क्या लगता है फाइनल कौन जीत रहा है? होगा फाइनल लाहौर। लाहौर के बैट पे लाहौर जीत गई है। लाहौर नहीं, मुल्तान गंदा है। मुल्तान नहीं 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 लाहौर 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 जीतेगा। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा, इन्होंने कहा जी आज पहली दफा हम ये दुआ कर रहे थे कि आसिफ आउट हो जाए। This is very bad यार, ये तो मेरा था डायलॉग। अच्छा नहीं नहीं, बहुत एंजॉय किया हमने, आखिरी बॉल तक हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हालांकि एक्साइटमेंट तो लास्ट तक रहा था मैच में, आखिरी बॉल तक। मौसम अच्छा है, फैमिलीज यहां पर मौजूद है भाई। ये तो राजोदा हो गया, उधर हो गए इधर आओ तुम, ओए ओए नहीं आना, तुम्हारे नहीं आना, उन्हें पक्की गल है। इधर आइयो इधर आइयो इधर आइयो,
क्या आपका इंटरव्यू पीछे नहीं ये हो रहा है नहीं क्या लग रहा है लाहौर कलंदर ने आज दिल खुश कर दिया बहुत दिल खुश किया है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्रॉफी भी लाहौर कलंदर ही लेके जा रहे हैं परेशान भी किया बहुत परेशान लाहौर के फैंस तो बहुत कॉन्फिडेंट है एक टाइम पे लग रहा था कि बस गए हम लोग लेकिन नहीं समझे लग गया थी कि लाहौर से सानू डुबा देता है पर लाहौर ने भाई उधर रिजवान वीजे के लिए कोई पैगाम राणा साहब को देना हो या वीजे को ऐसे ही अच्छा अच्छा जरा अभी फाइनल में भी खेल के दिखाएं ज्यादा ओवर नहीं होना राणा साहब को एक ये पैगाम है एक तो वीजे की फीस डबल कर दें काइंडली और दूसरा फाइनल देखने मत आइएगा सर काइंडली हमने जीतना है तो हार गए आफ्टर पार्टी जो मर्जी करें हैंगओवर जो मर्जी करें ओनर होंगे वो टीम मैडम मुल्तान जो है अभी तक हार नहीं रहा एक मैच आ रहा है कलंदर से आ रहा है क्या लगता है हरा लेंगे फाइनल में अब वो इसलिए वेट कर रहा है कि लाहौर से हारेगा ना वो सिर्फ इसलिए वेट कर रहा है कि लाहौर से हारना उसे अभी इंशाल्लाह सारा लाहौर उसको ऐसा मजा चखाएगा कि बस मजा चखाएगा गलत चीखे की आवाज बैठ गई चीखे होंगे जीतने के बाद पहले भी लाहौर ने इसको हराया है आइंदा भी लाहौर ही इसको हराएगा हर कोई एक्साइटेड है मुल्तान वाला है कोई कमेंट में बताओ क्या कहते हैं भाई भी कह रहे थे कि मुल्तान लाहौर को नेशनलिटी दे दें हां जी डेविड विसे को लाहौर की नेशनलिटी मिल जानी चाहिए आप और जितना लॉयल्टी डेविड विसे ने दिखाई है लाहौर के साथ और जो उसने एक दफा पहले किया था और जो उसने हालत आज की है तो मेरे ख्याल से डेविड विसे को रख ही ले यहां पे उसको जाने ही ना दे मुल्तान वालों आपसे कहा था तैयारी पकड़ लो फाइनल में आपसे ट्रॉफी तो हम अब लेके आएंगे जारी बात है हमारे इंटरनेशनल टीम के हमारे कैप्टन है क्यों मिस नहीं करेंगे बिल्कुल मिस डिसअपॉइंट किया है कराची वालों को मतलब टीम के परफॉर्मेंस वो किसी भी टीम से खेले वो हमारे कैप्टन है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कहीं भी हो ये अच्छी बात है यार सपोर्ट अभी भी कर रही है हमारा क्योंकि हम लाहौर के हम जरूर चाहेंगे कि लाहौर की तरफ से खेलें हम उनको सपोर्ट जरूर करेंगे बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है और जारी बात है उसकी कमी महसूस होगी लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी लाजमी बात नहीं है कि विराट कोहली भी पहुंचता या नहीं पहुंचता तो गेम के अंदर जो टीम अच्छा खेलेगी वो फाइनल पहुंचेगी और ये एक बंदे की गेम तो है नहीं 11 प्लेयर खेलते हैं तो उसके साथ एक टीम का कॉम्बिनेशन बनता है वो टीम फाइनल में पहुंची है तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो कोई कमी महसूस नहीं होगी जो पहुंचे हैं वो मेहनत करके आए हैं तो इट विल बी गुड टू वॉच देम देखे असल क्रिकेट है बाई चांस है कारकर्दगी फिर भी अच्छी है इतने बड़े स्टार हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के हमने मिस करना करते हैं हर रोज हर मैच में मिस करते हैं लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उन्हें देखेंगे और हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लाहौर की तरफ से खेले स्टार भी वो लाहौर से है खेलना भी लाहौर की तरफ से चाहिए और लाहौर से खेलना चाहिए उनसे खेलना चाहिए रिक्वेस्ट है बाबर भैया आपसे कि आप लाहौर की तरफ आए लाहौर कलंदर के मैच में कैप्टनी करें और इसमें खेलें बहुत ज्यादा करें हम उनको मिस क्योंकि मतलब हमारे कप्तान भी है पाकिस्तान के और वैसे भी कराची किंग्स हैं तो हमें बहुत मिस हो रहे हैं वो और दुआ के मतलब वो अगली बारी मतलब फाइनल किस टीम में खेलें वो अब अच्छा बाबर मेरे को सजेशन देना चाहे तो कुछ दे सकती हैं कि वो क्या कराची में खेलें या और टीम चेंज कर लें वो लाहौर बेहतरीन ओपनर है वो लाहौर में ओपनर होते हैं इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचते हैं ही इज अ ग्रेट गाय वंडरफुल गाय बॉबी भाई को कोई आप बॉबी भाई के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे अब शायद वो सुन ही लें आपको मैसेज ये है कि आप आए अभी लाहौर का मैच है सपोर्ट करने आए कोई नहीं मैंने आपके लिए सीट बचाई है मेरे साथ बैठे और बेहतरीन मैच होगा कोई नहीं अगली बार लाहौर में इंशाल्लाह करेंगे हम उनको क्योंकि वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है उनके बगैर अच्छा आप बाबर आजम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप प्लीज जी बाबर आजम को मैं यही कहूंगी कि वो नेक्स्ट टाइम प्लीज लाहौर की तरफ से जरूर खेलिएगा जी बहुत ज्यादा मिस करूंगी अगर वो होते तो इंशाल्लाह हम जीतते इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट टाइम लाहौर की तरफ से खेलना है आपने बाबर भाई ने हाँ और बाबर भाई को आप भी कुछ कहते हैं वो भी लाहौर से खेले जी खेले खेले बिल्कुल मिस करेंगे बाबर हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और ऑब्वियसली उसने पाकिस्तान के बैटिंग के स्टैंडर्ड को बहुत ऊपर बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली हम कराची को भी मिस कर रहे हैं क्योंकि बाबर आजम हमारी जान है तो हम ग्राउंड में तो जाएंगे लेकिन हम ऑब्वियसली उसको बड़ा मिस बाबर भाई बेस्ट ऑफ लक अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तो इंशाल्लाह आपको हम दोबारा ग्राउंड में देखने आएंगे और आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएसएल में आप लोगों में भी देखेंगे उम्मीद करते हैं कि आप बाबर भाई को नेक्स्ट टाइम आप कराची में देखना चाहते हैं कि किसी और टीम में देखना चाहते हैं हम तो मिस करेंगे कि बाबर भाई भी लाहौर में आए क्योंकि वो भी लाहौर के हैं तो हम कोशिश उम्मीद है और दुआ है कि लाहौर वाले उन्हें भी अपनी टीम में ले मैं बाबर आजम को जरूर मिस करूंगी प्लीज आप मैच खेलें हाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कराची में खेल रहे हैं आप प्लीज लाहौर तशरीफ लेकर आए क्योंकि लाहौर वाले बहुत दिल वाले होते हैं जी डेफिनेटली जी बहुत मिस करेंगे लाहौर का ही प्लेयर है बाबर और एक बहुत ग्रेट प्लेयर है जी
और हम तो बल्कि ये कोशिश भी करेंगे किसी फोरम के ऊपर रिक्वेस्ट कर सके, जैसे आपका फोरम है उसके थ्रू भी, उसके अलावा दुआ भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम बाबर आजम लाहौर की तरफ से खेले। अच्छा बच्चे आप भी मिस करोगी बाबर भाई को आज की नहीं करोगी? करूंगी ऑब्वियसली, बाबर इज द किंग और कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस उसने लास्ट 6 सीजन में दी हैं। इस बार अनफॉर्चुनेट ये हुआ था उसका बैट नहीं चला, लेकिन ये है कि मिस तो हम उसको कर रहे हैं, जाहिर है लाहौर की वो हमारा एक जान है, तो आई विश कि हम नेक्स्ट सीजन में वो आएँ और ज़्यादा परफॉर्म करें, एटलीस्ट फाइनल तक तो आएँ कराची किंग्स। तो बाबर भाई को आप मैसेज करना चाहेंगे? देखिए बाबर इस टाइम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और उसने जितनी परफॉर्मेंसेज दुनिया को दिखा दी हैं, इससे हम और आप बात कर ली भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन है, वो इतना प्लेयर है कि उसके पीछे हम जितनी भी बात करें। जी जी बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की शान है, लेकिन कोई बात नहीं, लाहौर वालों ने अच्छा खेला, वो आ गए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर आजम के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो अपनी टीम को मैच आगे नहीं ले जा सका, अब कमी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज हम फिलहाल आए हैं इस्लामाबाद की सपोर्ट के लिए और आज हमारे स्टार हैं हमारे इलाके के पत्तों की शहर के फहीम अशरफ साहब, हम उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं और आज इंशाल्लाह जिसे पहले कारकर्दगी कर रहे हैं ऐसे इंशाल्लाह आज वो मेहनत करेंगे कारकर्दगी से, इंशाल्लाह आज का मैच भी जिताएंगे और इंशाल्लाह अपनी टीम को फाइनल में लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं तो बहुत मिस करूंगा उनकी बैटिंग और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, इसलिए उनको मिस तो करेंगे, उनकी बैटिंग बहुत प्यारी है। और आप भी मिस करोगे बाबर भाई को? यस अल्लाह, बाबर भाई को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? अगर आपने कुछ कुछ कहो कि बाबर कुछ तो आपकी बात सुन ले वो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बाबर भाई आप बस क्रिकेट कुछ ना करें, आ जाए बस। तो लाहौर वाले बोल रहे थे कि लाहौर से हैं बाबर तो लाहौर में ही आ जाइए, क्योंकि वहीं से बेटर होगा, अगले साल चाहते हैं कि लाहौर की तरफ से खेलें, लेकिन बाबर आजम को कोई बुरा नहीं कह रहा था, उनका मतलब टीम 7 में से 6 मैचेस हार गई थी, स्टार्टिंग के सारे मैचेस हार गई थी और बाहर हो गई थी बिना, इतना पूरी टीम का एफर्ट लगता है उसमें, आप सिर्फ एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मुझे बहुत सही लगा कि क्रिकेट फैन जो है पाकिस्तान के वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, पाकिस्तान के क्या जिसको भी अगर क्रिकेट समझ में आता होगा वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि एफर्ट्स जो लगते हैं क्रिकेट के, सिर्फ एक बंदा जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक बंदे को। ऑल पब्लिक का रिएक्शन देखकर अच्छा लगा, क्रेजी हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के एक्स मतलब क्रिकेट के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतना ज़्यादा क्रेज़ उनके अंदर देखकर अच्छा लगा। बच्चे भी बोल रहे थे यार कि लाहौर लाहौर है, लाहौरी जीतेगी। तो अगर मुल्तान के फैंस देख रहे हैं मुल्तान से फाइनल है तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या कहना है। ये तो हमने लाहौर की तरफ लाहौर की साइड देख ली क्योंकि लाहौर हाल फिलहाल में अभी जीता हुआ है कल का मैच, तो फाइनल में देखने में मज़ा आने वाला है। फैंस काफ़ी सही मतलब थोड़ा क्रिकेट की तरफ, चाहे लेडीज़ हों चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबका रुझान, जो अंकल थे फनी से मतलब वो उनकी आवाज़ भी बंद हो गई थी, इतना चीखे होंगे वो, सेलिब्रेशन किया होगा उन्होंने तो उनकी आवाज़ बैठ गई, तो वो सब देखा हमने इसमें कि क्या क्रेज़ है पाकिस्तान में, मतलब क्रिकेट को मानते कितना है लोग, कितना पागल हैं क्रिकेट के लिए कि बाबर वहाँ पर आ जाए। आपको क्या लगता है लाहौर में उन्हें आना चाहिए या नहीं अगले साल? बाकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ये बहुत सही लगा कि पॉजिटिव थिंकिंग है सारे लोगों की वहाँ पर, कोई आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है फाइनल के बारे में, हाईलाइट पर हम रिएक्ट करना चाहिए हमें या फिर नहीं करना चाहिए ये भी बताइएगा। और मुल्तान के फैंस हो, अगर मुल्तान वाले देख रहे हो तो आप बताओ, मुल्तान के फैंस हो या फिर कहीं से भी हो, आप इस्लामाबाद से या फिर पाकिस्तान में किसी भी जगह से, मुल्तान के फैंस तो कहीं भी हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए लाहौर वर्सेस मुल्तान कौन जीतेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो चैनल पर तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, सजेशंस दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।